हेलो एवरीवन, काफ़ी दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं आया, उसके कारण आप सबको पता ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना घर का बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा दिया जाए। घर के बाहर की जो जगह है वो अप्रोक्सीमेटली 15x35 की है और पूरे में गार्डन लगा हुआ है। आधे में हमने पिछले साल किचन गार्डन में इसको कन्वर्ट किया था। तो सर्दियों में अच्छी सब्जियाँ हो जाती है, तो पालक है, धनिया है, टमाटर है, मतलब आप 4-5 लोगों के लिए आराम से सफिशेंट सब्जियाँ मिल जाती है। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है, इस टाइम थोड़ा मेंटेन कम हो पाता है क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है और धूप भी बहुत तेज आती है। आज हमने पूरे 1000 सब्सक्राइबर कर लिए हैं और वो सिर्फ आप लोगों के प्यार के कारण हो सकता है, हुआ है, अदरवाइज अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से प्यार देते रहो, प्यार बनाए रखो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। इस तरीके से दिखता है पूरा गार्डन। पहले ये जो घास आप देख रहे हो, ये वाली, ये सारे बिल्कुल लास्ट तक लगी हुई थी। दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में जो क्यारियां बनी हुई हैं ये नहीं थी। पिछली बार लॉकडाउन में हमें इसको चेंज कराया था और किचन गार्डन भी इसमें लगवाया था। अभी आप देखोगे भिंडियां लगी हुई है। भिंडी को लगे हुए, पौधों को तो लगे हुए काफी टाइम हो गया और करीब 20-22 दिन हो गए भिंडी लग रही है इसमें। कुछ कुछ फलियां, जैसे ये फली है, ये आप देखो कुछ बड़ी हुई है, एक बार सब्जी भी बना ली इनकी। बाकी तो पेड़ पौधे जो हैं लगभग हम देख लेते हैं खेतों में, लेकिन चावलों की फली के पौधे कम ही दिखाई देते हैं। ये पौधा कम बेल है, आगे जो देख रहे हो ये पार्ट एक बेल का रूप ले लेगी धीरे धीरे और इसी पे चावलों की फली लगेगी। ज्यादा लंबी नहीं होगी ये बेल। ये भी सेकंड क्यारी में चावलों की फली है, ये भी चावलों की फली है। इसके पीछे की तरफ ये करेले हैं, कुछ फूल आए लेकिन करेले अभी नहीं लगे। वो देखो आप सामने येलो वाले जो दिख रहे हैं वो करेले के ही फूल हैं। मेरे हिसाब से 8-10 दिनों में ये फूल भी तैयार हो जाएंगे, मतलब करेले बन जाएंगे। और बीच में थोड़ा सा ये एक आने जाने का रास्ता छोटा हुआ है और फिर लेफ्ट हैंड में ये है ग्वारफली। ये देखो ग्वारफली के पौधों में एक खासियत होती है, वो ये कि प्लांट में अगर पानी ज़्यादा देंगे तो प्लांट बढ़ता जाएगा और फलियां बहुत लेट लगेगी। अगर आप पानी कम दोगे तो फलियां जल्दी लग जाएगी, प्लांट में बड़ा नहीं होगा। ये दो अलग अलग ब्रीड में लगाई हुई है, एक ये ब्रीड है, ये कुछ पेड़ मतलब इसके पौधे बड़े हो गए हैं, एक ये छोटे पौधे हैं, ये भी ग्वारफली है, ये छोटे पौधे हैं। उसके बाद एक ये प्लांट लगा हुआ है हारसिंगार का, जिसका अपने आयुर्वेदिक में बहुत ये यूजफुल होता है हारसिंगार। ये मीठा नीम जो आपके किचन में खूब काम आता है। और फाइनली सबसे बड़ा जो पेड़ है हमारे गार्डन का वो ये है नींबू का। 2-3 साल हो गए इस प्लांट को लगाए हुए, अभी काफ़ी बड़ा भी हो गया और नींबू भी खूब दिए हुए हैं। कुछ तो नींबू तैयार हो गए हैं, कुछ में आप ये देखो कि फ्लावर्स आ रहे हैं। नींबू का साइज काफी बड़ा हो गया। और गर्मी के टाइम नींबू की वजह से घर में बहुत जरूरत पड़ती रहती है, तो इस टाइम नींबू महंगे भी हो जाते हैं। मनी प्लांट की बेल है ये और पूरे प्लास्टिक के जाले पे लग गई, बांधते गए साथ में पकड़ते गए। कुछ पार्ट उस तरफ भी मतलब प्लास्टिक के जाले के उस तरफ लगा दिया ताकि वहां पे भी ग्रीनरी हो जाएगी और इस तरफ भी। वैसे ही पूरा गार्डन सुमन और जो हमारा गार्डनर आता है वो मेंटेन करते हैं। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, कभी कभी धूप आ रही है, कभी कभी बादल आ रहे हैं और आज धूप के साथ साथ ही बारिश भी आ गई है। तरफ गमले लगाए हुए हैं। फ्रंट की जो दीवार आप देख रहे हो बीच में गमले लगे हुए हैं, ये दोनों घरों के डिवाइडेशन वाली जो दीवार होती है ना उसके ऊपर लगाए हुए हैं, तो ग्रीनरी है पूरे में, अच्छी लगती है। ये भी कुछ हैंगिंग प्लांट्स हैं।
पीछे का नज़ारा भी कुछ अच्छा है, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, अमरूद का प्लांट भी है। ऊपर देखो आप शायद अमरूद आपको नजर भी आ रहा है। दिखाता हूँ पीछे कैसा, छोटी सी क्यारी में पालक है, लेकिन चार पांच आदमियों के लिए एक टाइम की सब्जी के लिए काफी हो जाता है। एक बार काट लो फिर दो तीन दिन फिर पालक आ जाती है। धनिया सारा ऊपर से काट लिया, अभी धनिया है नहीं, उसको आने में करीब 5-7 दिन और लग जाएंगे। छोटा छोटा सा है, एक बेल यहाँ पे भी लगाएंगे, ये भी तोरी की बेल, छोटे फूल भी आ रहे हैं इसके। और एक यही ऐसा पेड़ है हमारे गार्डन में सबसे बड़ा नींबू का, जो मैंने आपको दिखाया है। इस नींबू के पेड़ के नीचे बैठ कर आराम से ब्लॉग बना रहा हूँ। आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।